मिर्जापुर से प्रयागराज आ रही एक अनियंत्रित ट्रक ने हाईवे पर चार छात्राओं को कुचल दिया। इस दौरान एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी छात्रा का एक हाथ पूरी तरह से कुचल गया। वहीं दो छात्राएं टक्कर से दूर जाकर गिरी। तीनों छात्राओं को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। चालक मौके से ट्रक छोड़कर फरार हो गया, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। घायलों का उपचार शहर के निजी अस्पताल में किया जा रहा है। मृतक छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं घटना से नाराज ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू में किया। डीसीपी विवेक चंद्र यादव ने बताया कि प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर ट्रक ने स्कूल से लौट रही चार छात्राओं को कुचल दिया। चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया था, जिसे पकड़ लिया गया है। थाना मेजा पे दोपहर में सूचना प्राप्त हुई थी एक एक्सीडेंट की, कि एक भारी वाहन एक ट्रक द्वारा कुछ छात्राएं जो जी आई सी एंटर कॉलेज में पढ़ने वाली हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें से कि एक छात्रा की डेथ हो गई है और एक छात्रा का हाथ ट्रक में फंसा हुआ है। तत्काल थाना पुलिस की टीम, संबंधित अधिकारीगण, जो रेस्क्यू के हमारे उपकरण होते हैं उसके साथ, हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ, एम्बुलेंस के साथ, फायर टेंडर इत्यादि के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पे जो बच्ची फंसी हुई थी उसको तत्काल वहां से निकलवाया, उसको अस्पताल में सकुशल भेजा गया है। वहां पे वो उसका इलाज बेहतर से ढंग से हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है। जो मृतका थी उसकी डेड बॉडी को भी वहाँ से निकाला गया है। साथ में ये भी पता चला है कि उसके अलावा दो अन्य छात्राएं थी जिनको कुछ चोटें लगी थी, जिनको आसपास के लोगों द्वारा पूर्व में ही अस्पताल में भेजा गया था। इसी बीच में ये एक घटना ये भी हुई कि भीड़ में जो कुछ लोग आक्रोशित थे, उनके द्वारा जो वाहन था उसका अगले हिस्से में उसमें आग लगाने की घटना भी कुछ कारित की गई। तत्काल वहाँ पर जो उपस्थित फायर टेंडर था उसके द्वारा आग पर नियंत्रण किया गया है, लोगों को समझाया बुझाया भी गया है। इसके अलावा जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। देखिए, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जिन बच्चियों को चोट लगी है, जो घायल हैं, उनका जो बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है वो किया जाए। इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी देनी है कि जो ट्रक का चालक है उसको भी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है, वो हिरासत में है। तो सबसे पहले उनके विरुद्ध में जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी है, जो ट्रक चालक है जिसके कारण ये दुर्घटना हुई है, वो सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ साथ जो अन्य संबंधित कार्रवाई है वो भी सुनिश्चित किया जाएगा। ये भी पता किया जाएगा कि यदि अगर किसी की इसमें लापरवाही भी आती है, अगर ट्रक को इस रोड पे आने देने इत्यादि में, तो उसमें भी जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। व्यवस्था बहाल हो इलाके में, इसको लेकर के कुछ निर्देश? देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। जो कुछ लोगों में ये गुस्सा था उनको समझा बुझा दिया गया है, और जैसा कि मैंने बोला कि हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जो बच्चियाँ हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो सके, और इसके अलावा जो वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है वहाँ पर। थैंक यू। बताया जा रहा है कि सभी छात्राएं कठौली स्थित काशी प्रसाद सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ती थी। इनमें मेजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत समहन गांव निवासी हरे कृष्ण मिश्र की पुत्री सरस्वती, बलुहा निवासी बलराम निषाद की पुत्री सिमर, अमर बहादुर की पुत्री नेहा निषाद तथा टिकुरी गांव की राधा पटेल है। डीसीपी ने बताया कि घटना मेजा के टिकुरी समहन गांव के समीप की है। पहलवान ढाबा के पास ट्रक ने टक्कर मार दी। दो छात्राएं नेहा निषाद एवं राधा पटेल टक्कर से दूर जा गिरी, जबकि सिमरन एवं सरस्वती ट्रक के नीचे आ गई। सिमरन का एक हाथ पूरी तरह से कुचल गया, जबकि सरस्वती का शव पहियों के बीच फंस गया था। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। मौके पर मौजूद एसीपी मेजर रवि कुमार गुप्ता के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। लोगों ने चक्का जाम कर दिया। किसी तरह समझा बुझा कर लोगों को शांत कराया गया और आग को बुझाया गया।